हर कोई चाहता है कि उसके परिजन कभी असहाय ना हो। इस दिशा में प्लानिंग करने के लिए कई मददगार स्कीम उपलब्ध है। न्यू पेंशन सिस्टम यानी NPS ऐसी ही एक स्कीम है, जिसमें इन्वेस्ट कर आप अपने जीवन साथी या किसी भी परिजन को बुढ़ापे की आत्मनिर्भरता गिफ्ट कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र, आपके साथ मैं हूँ मलिका मल्होत्रा। पहले ये स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध थी, लेकिन अब सरकार ने इसे सभी के लिए खोल दिया है। कुछ बुनियादी शर्तों का पूरा कर कोई भी भारतीय नागरिक NPS का लाभ उठा सकता है। ये आपको टैक्स सेविंग में भी मदद करता है। इसके अलावा अभी तक NPS ने 10% से अधिक का औसत रिटर्न दिया है, जो बाजार में उपलब्ध अन्य साधनों की तुलना में बेहतर है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी या किसी परिजन को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 50,000 की पेंशन मिले। आप जिन्हें पेंशन देना चाह रहे हैं उनकी उम्र अगर अभी 35 साल है तो आपको 25 साल तक के लिए निवेश करना होगा। इस स्थिति में अगर आप हर महीने 15,000 रुपए NPS में लगाते हैं तो आज के 25 साल बाद उन्हें हर महीने 50,000 से अधिक पेंशन मिल पाएगा। NPS ट्रस्ट कैलकुलेटर के अनुसार हर महीने 15,000 लगाकर आप अगले 25 साल में कुल 45,00,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। औसत रिटर्न 10% मान लेते हैं तो मैच्योर होने के बाद कुल अमाउंट 2 करोड़ रुपए हो जाएगा। मैच्योरिटी के बाद अगर आप 50% एन्यूटी लेते हैं और एन्यूटी की दर 6% मान लेते हैं तो इस हिसाब से मासिक पेंशन 50,171 रुपए बैठता है। किसी भी पेंशन स्कीम में एन्यूटी काफी अहम फैक्टर होता है। NPS के मामले में मिनिमम 40% एन्यूटी लेने की बाध्यता है। ये मैच्योरिटी के बाद बची कुल रकम का वो हिस्सा होता है जो आप पेंशन की तरह लेते हैं। बाकी रकम का पेमेंट मैच्योरिटी के बाद एक मुश्त कर दिया जाता है।